बच्चों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का गणित की कक्षा में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा तीसरी के गणित में अध्याय आठ मापन। और अध्याय आठ में मापन के अंतर्गत आज हम देखेंगे भार। बच्चों इस पाठ में हम सीखने के प्रतिफल एम 314 के तहत सीखेंगे भार मापन की इकाई ग्राम किलोग्राम का उपयोग कर भार मापन करना। साथ ही साथ हम देखेंगे किलोग्राम को ग्राम में बदलना, ग्राम को किलोग्राम में बदलना और कुछ इबारती सवालों को हल करना। तो चलिए शुरू करते हैं मापन भार। बच्चों आप अपने साथियों के साथ एक ग्रुप बनाइए जिसमें चार पांच बच्चे आप हो सकते हैं और आप एक तराजू बना लीजिए अपने लिए। तराजू जानते हैं ना? हाँ, दुकान में आप देखे होंगे, बाज़ार में देखे होंगे, सब्जी वाला जिस तराजू में तौलता है वैसे तराजू आपको बना लेना है अपने साथियों के सहयोग से या फिर अपने घर में बड़ों के सहयोग से। अच्छा, उसमें बाट क्या रखेंगे आप लोग? तो आप अपने घर के आंगन में कुछ कंकड़ पत्थर उठाकर ले आइए और उसको बना लीजिए बाट। अब तौलना क्या है ये ध्यान से सुनिए। आपके पास जो कुछ भी है जैसे पेंसिल है, पेन है, रबर है, आपके पास कंपास में और कुछ चीज़ें हैं या घर में आपके छोटे छोटे खिलौने हैं, इन सभी चीज़ों को आपको क्रमशः तौलना है। जो काम आप करेंगे वही काम आप अपने साथियों को भी करने के लिए कहेंगे। जब तौलने का काम पूरा हो जाए तो आप साथ ही साथ, जैसे पेंसिल को तौले आप तो आप कितने कंकड़ या कितने बीज से पेंसिल को तौले हैं ये आप यहाँ पर सारणी में नोट करेंगे। ठीक वैसे ही जब आप रबर को तौलेंगे तो कितने कंकड़ या कितने बीज वहाँ पर रखे उसकी संख्या आपको यहाँ सारणी में लिखना है। बच्चों यही काम आपके साथी भी करेंगे। जब काम पूरा हो जाए तब आपको क्या करना है, सारणी को अपने साथियों के साथ मिलान करना है और मिलान करने के बाद आप एक दूसरे से चर्चा करेंगे क्या सभी समूहों की तालिकाएं समान हैं। आपके दोस्त ने बनाया, आपने बनाया और भी आपके दोस्तों ने बनाया, क्या सभी के लिए वही पेंसिल का भार एक समान आ रहा है, नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर आपको चर्चा करना है। बच्चों ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप पेंसिल को जिस कंकड़ पत्थर से तौले हैं वो सभी कंकड़ पत्थर एक समान भार के नहीं हैं, वो अलग अलग भार के हैं। आपके दोस्तों ने जिस पेंसिल को तौला वो भी कंकड़ पत्थर से तौले हैं, उसका भी कंकड़ पत्थर का भार एक समान नहीं होने के कारण आप जो तालिका बनाए हैं उस तालिका में एक ही पेंसिल का भार अलग अलग बीज के बराबर या अलग अलग कंकड़ के बराबर आ रहा है। लेकिन बच्चों आप देखते हैं जब दुकान जाते हैं और कहीं कोई सामान खरीदते हैं तब आपको बिल्कुल एक समान भार का सामान मिलता है। जैसे आप आधा किलो शक्कर खरीदेंगे, आप खरीदेंगे तो ही उतना ही मिलेगा, आपके दोस्त खरीदेंगे तो भी उतना ही मिलेगा, आपके घर के कोई बड़े बुजुर्ग जाकर खरीदेंगे तो भी उतना ही मिलेगा। तो यह कैसे होता है आइए इसको समझते हैं। देखिए इस चित्र को ध्यान से और बताइए कि इस चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। चित्रों को ध्यान से देखने के बाद आप बताइए आपने इन्हें कहाँ कहाँ देखा है, देखे हैं ना? हाँ, तो बताना है आपको कहाँ कहाँ देखे हैं, इनका उपयोग कौन कौन करता है ये भी आपको बताना है और ये बताना है आपको कि ये किस काम में आती है। चलिए एक एक करके सभी प्रश्नों का जवाब देखते हैं। आपने इन्हें कहाँ देखा है? तो आप देखते हैं दुकान में, आप देखते हैं बाज़ार में, आप देखते हैं मड़ई मेला में, है ना? इनका उपयोग कौन करता है? तो बच्चों दुकान में दुकानदार करता है, बाज़ार में सब्जी वाला या फल वाला करता है, मड़ई मेला में मिठाई वाला और अन्य लोग करते हैं। ये किस काम में आती है? तो दुकान में सामान तौलने के लिए, जैसे शक्कर लेंगे आप, गुड़ लेंगे, दाल लेंगे, चावल लेंगे, गेहूँ लेंगे, तो तौलने के लिए काम में आती है। बाज़ार में फल वाला या सब्जी वाला इसको तौलने के लिए, फल व सब्जी तौलने के लिए उपयोग में करता है, है ना? वैसे ही आप मड़ई मेला में देखते हैं तो मिठाई वाला मिठाई तौलने के लिए और अन्य लोग भी, जो भी आप सामान खरीदते हैं जैसे आप फली खरीदते हैं और दूसरा चीज़ खरीदते हैं तो वहाँ पर जहाँ तौलने के लिए आवश्यकता होती है वहाँ पर लोग इसका उपयोग करते हैं। बच्चों जिस प्रकार से हमने इस पाठ के शुरू में लंबाई को मीटर और सेंटीमीटर में मापा था ठीक उसी प्रकार से हम भार को ग्राम और किलोग्राम में मापते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ बाट आपको दिखाई दे रहे हैं, ध्यान से देखिए उसमें क्या लिखा है, इसको आपको पहले पढ़ना है। उसके बाद बच्चों इन बाटों को आप
क्रम दे दीजिए, 1, 2, 3, 4 और 5, यहाँ पर 5 बार आपको दिखाई दे रहे हैं, इसको आप अपने मन से क्रम दे सकते हैं या फिर बड़े से छोटे की ओर क्रम आप दे सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर तालिका दिखाई दे रही है आपको, कुछ प्रश्न हैं, पहले बार पर क्या लिखा हुआ है आपको यहाँ पर भरना है, फिर दूसरे बार पर क्या लिखा हुआ है ये आपको यहाँ पर भरना है, तीसरे बार पर क्या लिखा हुआ है ये भी आपको भरना है, चौथे बार पर क्या लिखा हुआ ये भी भरना है, पाँचवें बार पर क्या लिखा हुआ ये भी भरना है। यदि आप क्रम से इन बातों को संख्या दे दिए हैं तो आप आसानी से इसको भर सकते हैं। जैसे पहले बार पर क्या लिखा हुआ है देखिए ध्यान से, बाट को ध्यान से देखिए और तालिका को भरिए, यहाँ पर पहले बाट में लिखा हुआ है 1000 ग्राम, वैसे दूसरे बाट पर क्या लिखा है आपको स्वयं करना है अपने बड़ों के सहयोग से या साथियों के सहयोग से, तीसरे बाट पर, चौथे बाट पर और पांचवें बाट पर क्या लिखा है ये हम आपको बता रहे हैं। देखिए पांचवें बाट पर जो सबसे छोटा बाट दिखाई दे रहा है आपको उसमें लिखा हुआ है 50 ग्राम। इस प्रकार से आप इन बाटों के बारे में जान सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पर जो बाट आपको दिखाई दे रहा है उसी बाट को ध्यान में रखते हुए इन प्रश्नों को आपको उत्तर देना है। जैसे इनमें से सबसे बड़ा बाट कौन सा है, तो भाई चित्र को एक बार फिर से देखिए जाकर और यहाँ पर खाली स्थान में भरना है। जो चित्र आपको दिखाया गया है उन चित्रों में से सबसे बड़ा बाट है 1000 ग्राम का बाट, है ना, और उसके बाद सबसे छोटा बाट कौन सा दिखा आपको, जो चित्र दिखाया गया था उसमें, जो चित्र दिखाया गया था उसमें सबसे छोटा बाट था 50 ग्राम का। बच्चों आपको यहाँ पर बता दें कि 1000 ग्राम से भी बड़ा बाट 2000 ग्राम का होता है, 5000 ग्राम का होता है। आप अपने गांव के आसपास धान तौलने की मंडियों में गए होंगे, वहाँ पर 25 किलो का भी बाट होता है, यानी 25000 ग्राम का बाट होता है, वैसे उससे भी बड़ा बाट 50000 ग्राम का भी बाट या 50 किलो का भी बाट होता है धान तौलने के जगह पर। तो ये सब चीज़ें आप देखते हैं, समझते हैं, दुकानदारों के पास आप जाते हैं तो ध्यान दिया करें कि कौन सा बाट उपयोग कर रहा है और कितने ग्राम का है, आप कितने का सामान ले रहे हैं और आपको कितने ग्राम सामान दिया जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम बाटों के बारे में अपनी समझ बनाएंगे। अब बच्चों आइए पता करते हैं हम कि 1 किलोग्राम बराबर कितने ग्राम होता है, ठीक है। आप इस बात को अपने घर में बड़ों के साथ भी चर्चा कर सकते हैं और स्वयं प्रयोग करके भी देख सकते हैं। आप जब स्वयं देखेंगे तब जानेंगे कि 1 किलोग्राम बराबर कितने ग्राम होता है। आइए इसको हम एक गतिविधि के माध्यम से समझते हैं। बच्चों ये देखिए कुछ बाट है हमारे पास, इसमें लिखा है 50 ग्राम, ये 50 ग्राम का बाट है। फिर देखिए दूसरा बाट है हमारे पास, इसमें लिखा है 100 ग्राम, ये 100 ग्राम का बाट है। फिर देखिए ये तीसरा बाट, इसमें 200 ग्राम लिखा हुआ है, ये 200 ग्राम का बाट है। और फिर देखिए उसके बाद ये चौथा बाट है, इसमें लिखा हुआ है 500 ग्राम, इसको हम आधा किलो का बाट भी कहते हैं। और फिर उसके बाद देखिए अंत में ये 1 किलोग्राम लिखा हुआ है, इसमें ये 1000 ग्राम का बाट है। तो इन बाटों का उपयोग करके हम अभी चलिए गतिविधि को आगे बढ़ाते हैं। बच्चों ये देखिए इसको हम तराजू कहते हैं, तराजू में 2 पलड़े होते हैं, ये एक पलड़ा है और ये दूसरा पलड़ा है। जब तराजू बिल्कुल खाली हो, इसमें हम कुछ भी ना तौल रहे हों, तो दोनों पलड़ा बिल्कुल इस प्रकार से बराबर रहता है, इसको चैन के द्वारा फंसाया जाता है। यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, जहाँ पर हाथ रखा हुआ है यहाँ पर एक कांटा होता है, जिस तरफ ये तराजू झुकता है उस तरफ एक कांटा भी झुकता है, या आप कह सकते हैं कांटा जिधर झुका हुआ है उधर का भार ज़्यादा है और जिधर कांटा नहीं झुका हुआ उधर का भार कम होता है। तो चलिए हम आप जानते हैं कि 1 किलोग्राम बराबर कितने ग्राम होता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक साइड में 1 किलोग्राम के बाट रखेंगे और दूसरे साइड में ग्राम लिखा हुआ बाट लाइन से रखते जाएंगे। चलिए करते हैं। चलिए मैं एक तरफ 1 किलो का बाट रख रहा हूँ, ये देखिए जैसे ही मैंने बाट रखा ये पलड़ा पूरा पूरा झुक चुका है। अब हम क्या करेंगे, इधर ये 500 ग्राम लिखा हुआ बाट मैं रख रहा हूँ एक साइड, इससे अभी ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा है। फिर हम रखेंगे 200 ग्राम लिखा हुआ बाट, ये 200 ग्राम लिखा हुआ बाट रख दिया हमने। फिर उसके बाद रखा हमने फिर 200 ग्राम लिखा हुआ बाट। इस प्रकार से हम 500, 200, 200 कुल मिला के हम 900 ग्राम का बाट रख चुके हैं। अब ये रख रहा हूँ 100 ग्राम का बाट एक और। अब आप देखिए इस प्रकार से, आप देखिए 1 किलोग्राम का बाट इधर रखा हुआ है और इधर कुल मिला के 4 बाट रखे हैं। एक बाट है 500 ग्राम का, दूसरा बाट 200 ग्राम का, तीसरा बाट 200 ग्राम का और चौथा बाट 100 ग्राम का। तो बच्चों 500 ग्राम,
200 ग्राम और 200 ग्राम इसको जोड़ेंगे कितना हुआ, 5, 2, 7 और 2, 9, फिर एक बाट रखा हुआ यहाँ पर 100 ग्राम का। इस प्रकार से आप देखेंगे तो इधर 1 किलो बराबर हो गया 1000 ग्राम। तो आप वहाँ पर खाली जगह में क्या लिखेंगे, 1 किलो बराबर कितने ग्राम लिखेंगे, 1000 ग्राम। चलिए अब देखते हैं, ये आधा किलोग्राम का बाट है, ये देखते हैं कितने ग्राम होता है। ये रख दिया हमने, अब हम क्या करेंगे, पहले 200 ग्राम का पार्ट रखेंगे, फिर एक और 200 ग्राम का पार्ट रखेंगे, फिर बराबर नहीं हुआ अभी ये, फिर हम 100 ग्राम का पार्ट रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर बीच में कांटा को देखिएगा ध्यान से आप, ये देखिए बिल्कुल ये तुला बराबर, दोनों पलड़ा बराबर हो चुका है। एक तरफ हम रखे हैं आधा किलो का पार्ट और दूसरी तरफ रखे हैं 200 ग्राम के दो बाट, तो 200 और 200 कितने हो गए 400, और एक बाट रखे हैं हम 100 ग्राम के, तो कुल मिला के 500 ग्राम। इसका मतलब हुआ आधा किलोग्राम बराबर 500 ग्राम। तो इस प्रकार से आप खाली जगह में लिखेंगे आधा किलोग्राम बराबर 500 ग्राम। तो बच्चों इस गतिविधि के माध्यम से आपने देखा कि एक किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम, वैसे ही आधा किलोग्राम बराबर कितना हुआ था, आधा किलोग्राम बराबर होता है 500 ग्राम, और पाव किलोग्राम यानी कि एक पाव या इसको हम 1/4 किलोग्राम भी कहते हैं, इसके बराबर होता है 250 ग्राम। इस प्रकार से इन खाली जगहों को आपको भरना है और अपने साथियों के साथ बार बार इस गतिविधि को करना है ताकि आपको किलोग्राम और ग्राम के संबंध में अच्छी सी समझ बन सके। लेकिन बच्चों आपके साथ समस्या ये आ सकती है कि आपके पास तो तराजू है नहीं और किलो बाट भी नहीं है। आपको हम बता दें कि प्रत्येक स्कूल में ऐसी सामग्री उपलब्ध कराई जाती है, आप अपने शिक्षक से इस बारे में चर्चा कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं और देख सकते हैं, नहीं तो आसपास की दुकान में भी ये सामग्री उपलब्ध होती है, उनको भी अपने स्कूल में मंगवा कर आप देख सकते हैं। इसके बावजूद भी यदि आपको उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो आप क्या करेंगे, तो इसके लिए एक आसान से उपाय हम अब बता रहे हैं आपको, ध्यान से सुनिएगा। तो भाई आप एक काम कीजिएगा, कुछ पॉलीथीन ले लीजिए या कपड़े के थैले ले लीजिए छोटे छोटे, और उसमें रेत भरकर आप अपने पास के दुकान में या अपने साथियों के घर, किसी के घर दुकान होगा वहाँ जाकर आधा किलो का रेत तौला लीजिए, 1 किलो का रेत तौला लीजिए, 200 ग्राम का रेत तौला लीजिए, 100 ग्राम का रेत तौला लीजिए, या आप रंगोली भी इतने के खरीद सकते हैं और उसी को बाट बना सकते हैं। बच्चों अपने बड़ों के सहयोग से आप मिट्टी के भी बाट बना सकते हैं और खेल खेल में इसको खेल सकते हैं। एक बच्चा दुकानदार बन जाएगा, आपके जो साथी हैं वो खरीदार बन जाएंगे, और कुछ सामान जब खरीदने की बारी आएगी तो आप उसको उन्हीं बाटों से, खिलौने वाले तराजू से तौल तौल कर आप देते जाएंगे, जिससे आपको किलो बाट के संबंध में, तराजू के संबंध में विशेष प्रकार की जानकारी अपने स्वयं के अनुभव से होगी और आप ये जान पाएंगे कि हम कैसे सामानों को तौलते हैं और कितना मांगने पर कितने ग्राम हम सामान दे सकते हैं। बच्चों अब सोच कर बताइए कि एक दुकानदार आधा किलोग्राम शक्कर तौलते समय तराजू पर कौन सा बाट रखेगा। यहाँ पर जो बाट आपको दिखाई दे रही है इन्हीं बाटों में से आपको बताना है कौन सा बाट रखेगा, चलिए बताइए, और उसको आप टिक लगाना है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे तो कर सकते हैं, नहीं तो अपने साथियों से भी पूछ लीजिए, अपने घर में बड़ों से भी पूछ लीजिए, या जब दुकान जाते हैं शक्कर खरीदने के लिए, आधा किलो शक्कर मांगेंगे आप, तो वहाँ पर देखिए कि कौन सा बाट का उपयोग कर रहा है। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं उसमें से जो 500 ग्राम लिखा हुआ है उस बाट का उपयोग दुकानदार करेगा। वैसे ही बच्चों पाव किलोग्राम सब्जी तौलने के लिए दुकानदार कितने बाटों का उपयोग करता है, बाट कौन कौन से हैं ये आपको बताना है। तो भाई एक पाव कोई सामान आप खरीद रहे हैं तो इन बाटों में से कौन कौन से बाट का उपयोग दुकानदार करेगा, चलिए आप बताइए उसको फटाफट, और आपको समझ में आ गया हो तो उन बाटों पर निशान लगाइए राइट का जो दुकानदार उपयोग करेगा। तो आप तो बता दिए होंगे फट से, है ना, आपने कौन कौन से बाट में निशान लगाया होगा, 200 ग्राम के बाट में और 50 ग्राम के बाट में। ठीक है, अब बच्चों चलिए थोड़ा सा इस सवाल को और आगे ले जाते हैं। आइए अब देखते हैं आधा किलोग्राम शक्कर तौलने के लिए एक से अधिक बाटों का उपयोग अलग अलग तरीके से कैसे कर सकते हैं, ये बात थोड़ी सी घुमावदार है ना। हाँ, तो देखिए इन बाटों में से हम कौन कौन से बाट का उपयोग करके
मतलब एक से अधिक बाट उपयोग करना है। पहले हम कितना ग्राम का बाट उपयोग किए थे, 500 ग्राम का, हमको उस बाट का उपयोग नहीं करना है, अब हमको एक से अधिक बाट का उपयोग करना है। तो कौन कौन से बाट उपयोग करेंगे हम, 200 ग्राम के दो कर सकते हैं और 100 ग्राम के एक कर सकते हैं, है ना, एक तरीका हुआ। फिर दूसरा तरीका क्या होगा, 200 ग्राम के दो रखेंगे हम बाट और 50-50 ग्राम के दो रखेंगे, तो 200-200 400 हो गया और 50-50 100, इस प्रकार से 500 ग्राम हो गया। या फिर हम ये कर सकते हैं, 100-100 ग्राम के पांच बाट ले सकते हैं आधा किलो शक्कर तौलने के लिए, ये एक और तरीका हो गया बच्चों। ऐसे ही हम 200 ग्राम के एक बाट रखेंगे और 100-100 ग्राम के तीन बाट रखेंगे तो भी 500 ग्राम शक्कर हम तौल सकते हैं। इसके अलावा और भी कई तरीके हो सकते हैं, वो बाट की उपलब्धता के ऊपर निर्भर है कि आप कौन कौन से बाट का उपयोग करके आधा किलो शक्कर तौल सकते हैं। आप अपने खेल खेल में इस गतिविधि को बार बार कीजिए और नोट कीजिए कि आप कितने प्रकार से आधा किलो शक्कर तौल सकते हैं बाटों का उपयोग करके। तो बच्चों आइए अब देखते हैं भार तौलने के कौन कौन सा तरीका है। यहाँ पर आप देख रहे हैं पहला तरीका जो है वो पुराने ज़माने का तरीका है, ये आपको बाज़ार में देखने को मिलता है। दुकान में ये तराजू प्रायः आप देखने को नहीं मिलता क्योंकि इसकी जगह इलेक्ट्रॉनिक तराजू आ चुका है। दूसरा जो आप देख रहे हैं वो प्रायः एयरपोर्ट में होता है, जो यात्री होते हैं उनके सामान को तौलने के लिए उपयोग में आता है। जो तीसरा चित्र आप देख रहे हैं ये आप प्रायः देखते ही रहते हैं, जब आप हॉस्पिटल जाते हैं तो आपका भार मापा जाता है, आप शौक से खुशी के साथ ऐसे तराजू पर चढ़ जाते हैं और अपना भार स्वयं मापने का प्रयास करते हैं। बच्चों ऐसा ही तराजू आपके विद्यालय में भी होता है जिससे आपके शिक्षक आपका भार मापते हैं। अब चौथा चित्र देखिए, यह जो चित्र है दुकानदार का है और ये दुकानदार इस प्रकार के तराजू से सामान तौलकर ग्राहकों को उपलब्ध कराता है, है ना बच्चों। चलिए आप भार के संबंध में और भार मापन के संबंध में कुछ बातें सीख चुके होंगे, तो हम कुछ अभ्यास के प्रश्न को भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए एक प्रश्न दिया हुआ है, दीपा ने 500 ग्राम शक्कर और 250 ग्राम चाय पत्ती खरीदी, उसने कुल कितने ग्राम सामान खरीदा ये आपको बताना है। तो इसमें क्या करना होगा आपको, आपको दोनों जो माप है वो ग्राम में दिया हुआ है, 500 ग्राम और 250 ग्राम, इसलिए आप दोनों को जोड़ देंगे। कैसे लिखेंगे, आप पहले हल लिखेंगे, शक्कर कितने ग्राम है 500 ग्राम और चाय पत्ती कितने ग्राम है 250 ग्राम, अब दोनों को जोड़ना है, 500 ग्राम धन 250 ग्राम। तो बच्चों इकाई को इकाई के साथ जोड़ेंगे शून्य आएगा, दहाई को दहाई के साथ जोड़ेंगे शून्य और पाँच को तो पाँच आएगा, और सैकड़े में जो है पाँच और दो उसको आप जोड़ेंगे तो यह आएगा सात। इस प्रकार से 750 ग्राम कुल सामान दीपा ने खरीदी, आप लिखेंगे, अतः दीपा ने कुल 750 ग्राम सामान खरीदा। इसी प्रकार बच्चों ये गृह कार्य है आप लोगों के लिए, अमिता ने 2 किलोग्राम चावल और 1 किलोग्राम दाल खरीदी, उसने कुल कितना सामान खरीदा है आपको बताना है। यहाँ पर भी दोनों जो माप है वो किस में दिया हुआ है, किलोग्राम में दिया हुआ है, तो आप उसको क्या करेंगे ये अपने साथियों के साथ चर्चा कीजिए और उत्तर कौन पहले बताता है ये देखिए ध्यान से। ठीक उसी प्रकार से बच्चों बड़े बोरे में 50 किलोग्राम चावल है और छोटे बोरे में 25 किलोग्राम गेहूं है, गेहूं से चावल कितना अधिक है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर कौन सी क्रिया करेंगे आप, घटाने की क्रिया करेंगे, तो फटाफट अपने कॉपी पेंसिल निकालिए और इस सवाल को हल कीजिए। आइए अब देखते हैं कि हमारे आसपास कौन कौन से तुला उपयोग में आजकल होता है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं इस प्रकार के तुला का उपयोग अब प्रायः सभी दुकानों में होता है और इससे बच्चों बिल्कुल सही माप का सामान हमको मिल पाता है। ये तुला भी आप दुकान में देखते हैं और इसका भी उपयोग आजकल दुकानदार अधिकतर करते हैं। इस प्रकार का जो तुला है वो प्रायः अधिक ज़्यादा सामान तौलने के लिए उपयोग में आता है। जैसे आप एक क्विंटल आलू खरीदेंगे, एक क्विंटल प्याज खरीदेंगे, वहाँ पर आप देखते हैं इस प्रकार के तुला का उपयोग किया जाता है। ये जो तुला आप देख रहे हैं आपके गांव के आसपास धान की मंडियों में दिखाई देता है, ये बहुत बड़ा तुला होता है और इसमें बाटों का भी बड़ा बड़ा उपयोग किया जाता है, जैसे 25 किलो का, 50 किलो का, तो ये तुला आप मंडियों में अक्सर देखते हैं। ये जो तुला आप देख रहे हैं बच्चों ये सोने चांदी का दुकान में होता है, सोना या चांदी तौलने के लिए, चूँकि हम सोना और चांदी को बहुत कम मात्रा में खरीदते हैं ग्राम में, इसलिए इस प्रकार के तुला का उपयोग वहाँ पर किया जाता है। ये जो तुला आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसका भी उपयोग आजकल दुकानों में छोटे सामान जैसे लौंग, इलायची, इस प्रकार की चीज़ों को जो बहुत कम मात्रा में खरीदते हैं उसको तौलने के लिए उपयोग में लाया जाता है। और इस तुला से तो आप परिचित हैं,
आसपास के आपके आंगनबाड़ी में या स्वास्थ्य केंद्रों में ऐसे तुला दिखाई देता है जिससे हम छोटे बच्चों को तौलने में उपयोग करते हैं। ये तुला भी आप आंगनबाड़ियों में देखते हैं जिसमें कपड़ा फंसाकर और ये हुक को लगाकर बच्चों को तौलने में उपयोग किया जाता है। और बच्चों, ये जो तुला आप देख रहे हैं, ये इसमें आप खड़े होते हैं और ये बताता है कि आप कितने किलोग्राम के हैं। इस प्रकार से ये जो आप बाट देख रहे हैं यहाँ पर, इन बाटों को आप प्रायः बाजार में सब्जी वालों के पास और दुकान में दुकानदारों के पास देखते हैं। तो इस प्रकार से सभी चीज़ों को आप देख रहे हैं और ये जान पा रहे हैं कि हम अपने आसपास किस किस प्रकार के तुलाओं को देखते हैं, उनका उपयोग कौन और कैसे करता है, किस प्रकार से करता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस पाठ से आपको भार मापन के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। जो भी गतिविधि है उसको आप बार बार करते रहिए और भार मापन के संबंध में अपनी समझ को अधिक विकसित कीजिए। मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।